आजादी, आजादी। ऐ मेरे जन्नत नशीं अज़ीज़ो, हमें ये दुनिया बता रही है कि तुम पे अपने पहाड़ टूटे, तुम्हारी अपनी छतों ने तुमको कुचल दिया है, जमीन तुमको निगल दिया है, सो मर गए तुम। यकीन जानो ये सब गलत है, मरे नहीं तुम, मरे तो वो हैं जो बच रहे हैं, तुम्हारी फुरकत में जी रहे हैं। तुम्हें खबर क्या कि मरने वालों के बाद जीना अजाब है, और अजाब ऐसा कि जिस पे आए संभल ना पाए, वो मरना चाहे तो मर ना पाए। ऐ मेरी जन्नत नशीं अज़ीज़ो, मरे नहीं तुम, मरे तो हम हैं। यकीन आए तो अपनी रूहों को भेज देखो, वतन में है जिस कदर भी आंखें, वो आंसुओं से भरी हुई है, तमाम चेहरों पे वो कयामत जो तुम पे टूटी बहुत नुमाया लिखी हुई है। लोगों को देखो तो यूं लगेगा कि मुस्कुराए उन्हें तो सदियां गुजर गई है। ऐ मेरे जन्नत नशीं अज़ीज़ो, वो सारी माएं, वो सारी बहनें, बुजुर्ग सारे, वो सारे बच्चे जो तुमने छोड़े, हमारे ही घर में आ बसे, पांच से छह मकान हमारे ही घर में आ बसे, राख हो गए। और ऐ मेरे जन्नत नशीं अज़ीज़ो, वो सारी माएं, वो सारी बहनें, इंसानों को अल्लाह ताला ने महफूज़ रखा, लेकिन जानवर, वो सारे बच्चे जो तुमने छोड़े, हमारे ही दर में आ बसे, हमारे ही दर में आ बसे। सभी वसाइल जा करके सभी मसाइल को हल करेंगे, ये सब तुम्हारी अमानतें हैं, और अमानतों को संभाल रखना हमारी तहजीब है पुरानी। ऐ मेरे जन्नत नशीं अज़ीज़ो, ये अहद हम तुमसे कर रहे हैं। मौजूद हूँ अमर जगदीश कुमार मलाठी की यादगार के करीब, ये पाकिस्तान के एरिया है, पाकिस्तान थरपार कर है, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी चेयर में। यहाँ जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि यहाँ जैसे मुस्लिम्स और हिंदू एक ही जगह रहते हैं, तकरीबन मेरी नॉलेज के मुताबिक जो मालूम हुई है यहाँ पर कि 70% यहाँ हिंदू आबादी है, और इनका रहन सहन, कल्चर, खाना पीना सब एक जगह है। अभी मैसेज यहाँ पर यह है कि जो आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त देखें हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वक्त जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं, और वहाँ की उनकी नेशनलिटी को मंसूख कर दिया गया है, कश्मीर के अंदर जो इस वक्त वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं, अगस्त 5 तारीख से लेकर आज तक वहाँ पर कस्दन लगाया और मुसलमानों को एक दड़बे के अंदर घरों में मैसूर किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और उसके ऊपर 10 लाख की फ़ौज का एक गलबा छोड़ा हुआ है जो उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा हालिया दिनों में कि मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म किए गए, उनको को घरों से निकाल के जलाया गया, उनकी बच्चियां अगवा की गई, उनके ऊपर अजाब और तेजाब दोनों चीज़ें डाली गई, और आज भी मुसलमान वहाँ का सेफ नहीं है। इससे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये कम्यूनिटीज़ बिल्कुल सेफ है, इनमें कोई तफरीक नहीं है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। तो दुनिया की जितनी भी कम्यूनिटीज़ हैं, अगर वो इस वक्त कोरोना वायरस से तंग आई हुई हैं, बर्बाद आई हैं, तो ये ज़रूर सोच लो कि हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त तक कश्मीर के अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, और रोज़ उन पे कोई ना कोई नए तरीके से अजाब डाया जाता है, और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो अभी ये काला कानून उसने नाफिज किया है, जिसके तहत उसने मुसलमानों की शरीयत वहाँ से ख़त्म की है, दूसरी कम्युनिटी की शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, सिखों की कम्युनिटी की शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तो इस पे अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक को नोटिस लेना चाहिए। जो भी इस वक्त इस पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्रोल करते हैं मुल्क, जो अक़वाम आलम है, उनको चाहिए कि नरेंद्र मोदी के इस काले करतूत को फौरन नोटिस लें। मैं डॉक्टर अमित कुमार, चेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे मिट्टी में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी जो हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम भी हमारे भाई है, हम एक साथ रहते हैं, हम होली, दिवाली, ईद सब एक साथ मनाते हैं। हमारे पास कोई वो नहीं है जैसे इंडिया में मजालिम हो रहे हैं अकलीतों पर, उसकी हम बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीर पे जो उन्होंने मजालिम किए, लॉकडाउन किया है, इंसानी ज़िंदगी का अलमिया पैदा किया है, उसको हम मजम्मत करते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं ये चीज़ें बंद कर दीजिए इंसानी हमदर्दी के तौर पर। और मुसलमानों को और दूसरी कम्युनिटीज़ को भारत के अंदर आज़ाद होने का, आज़ाद रहने का, और उनको अपनी मर्जी से जीने का हक दिया जाए, ये उनका एक बेसिक हक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को कहते हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए, उनके ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं वो बंद किए जाएँ, उनको इंसानी आज़ादी है, एक ह्यूमन राइट्स है, उनकी वायलेशन हो रही है वो ख़त्म की जाए। थरपारकर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
कश्मीर के हवाले से मैं एक इंटरनेशनल मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं खुद एक हिंदू हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मेरे अबा दादा की पैदाइश भी यहीं हुई है। हम काफ़ी सारे हिंदू बिल्कुल अपने मज़े से अपने इस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अपने बिल्कुल आज़ाद नमूने से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी जी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। मैं इंटरनेशनल एक मैसेज दे रहा हूँ यूनिसेफ को और अक्वामे मुत्तहिदा को, अमेरिका भी खास करके, कि 5 अगस्त जो 180 लाख मुसलमान जो इंसान हैं, हम जैसे ही इंसान, उनको जो है ना एक लॉकडाउन करके घरों में बंद करके रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बराए मेहरबानी जिस तरह हम अपने मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, हर आदमी का एक हक है कि वो कहीं भी अपने आज़ादी नमूने से रह सकते हैं, वो भी इंसान है हमारे जैसे, उनके बच्चे हैं घरों में बैठे हैं, ना उनका काम है, काम सारा उनका डिस्टर्ब हो गया है, दवाई के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, और जिस तरह की ये वबा भी फैली हुई है, इस हवाले से हम इंटरनेशनली दुनिया जो है ना लाख हो गई है। बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते, फॉर थैंक्स गॉड कि आप जो है ना ये इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, पूरी दुनिया एक्शन ले, वाय कि एक बंदे को, किसी को आप इतने टाइम से जो है ना घरों में बंद करके बैठे हैं, ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है, बराए मेहरबानी इसको जो है ना आप सबको एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ये दो शख्सियतें मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे, इनमें एक का नाम है मेवाराम और दूसरे का नाम है रमज़ान। मिठी शहर के अंदर ये मुसलमान और हिंदू आप लोग इकट्ठे रहते हैं, और आप यहाँ कब से रह रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं, कभी आप लोगों में कोई लड़ाई या कोई झगड़ा इस मज़हब को लेके हुआ है? तकरीबन यूं में पैदाइश से ही हम लोग का तलक थरपारकर से है और ये मिठी में रहते हैं, और यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, आपस में कोई भी तफरीक नहीं है, हर कोई यानी कि अपने यानी शादी की तकरीब हो, चाहे मजहबी तकरीब हो, चाहे सत्संग हो, चाहे मजलिस हो, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है, एक दूसरे को न्याज नगर देते हैं, और कोई भी तफरीक नहीं है हम लोगों में। तो इस वक्त जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर नरेंद्र मोदी ने एक अजाब डाया, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, उनको ये मुसलमानों पे जुल्म नहीं करना चाहिए,